हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेहा अपने ससुराल में अपने पति राहुल और सास सोमवती के साथ रहा करती थी। नेहा और राहुल की शादी को लगभग 5 साल हो गए थे, पर अभी तक दोनों को माँ बाप बनने की खुशी ना मिल सकी, और जिनकी वजह से नेहा की सास सोमवती नेहा को हर रोज ताने देती। एक दिन नेहा की सास नेहा से कहती है, नेहा, ओ नेहा, कहाँ मर गई? हाँ माँ जी, बोलिए। माँ जी की बच्ची कहाँ मर गई थी ये बता। शाम हो चली है, खाना कौन बनाएगा? भूखा मारेगी क्या हमें आज? हाँ माँ जी, जा रही हूँ बस बनाने। आज घर की सफाई करने में बहुत समय लग गया। घर की तो सफाई हो जाएगी, पर ये जो कचरा हमारे सर पर पड़ा है, पता नहीं ये कब साफ होगा। एक बच्चा तो दे ना सकी अभी तक, बांझ कहीं की। ऐसे ना बोलिए माँ जी, अब बच्चा नहीं हो रहा है तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है, ये तो भगवान की मर्जी है। भगवान की मर्जी कुछ और नहीं कहने को तो भगवान को बीच में ला रही है। निकल जा मेरी नजरों के सामने से अभी के अभी। नेहा वहाँ से अपनी सास के ताने सुनकर रोती हुई चली जाती है और किचन में जाकर खाना बनाती है। अगले दिन नेहा की सास से मिलने राहुल की बुआ आती है और उसे देख नेहा उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेने जाती है, पर राहुल की बुआ कामिनी अपने पैर पीछे कर लेती है और नेहा को आशीर्वाद नहीं देती और उसे कहती है, अरे अगर तुझे मैंने आशीर्वाद दिया तो मेरे घर में भी तेरी जैसे बांझ बहू आएगी और मैं ये होने नहीं दूंगी। नेहा को कामिनी की ये बात बहुत बुरी लगती है और वो वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। और फिर नेहा के जाने के बाद राहुल की माँ सोमवती और कामिनी आपस में बात करती हैं, जहाँ कामिनी कहती है, अरे भाभी जी, आपने इस बांझ को अभी तक अपने घर में क्यों रहने दिया है? अगर ये मेरे घर में होती ना तो मैं कब का इसे घर से बाहर निकाल देती। अरे तो मैं कौन सा इसे रखना चाहती हूँ घर में? वो तो बस राहुल की वजह से रखा हुआ है मैंने इसे, वरना मेरा बस चले तो मैं इसकी जान ले लूँ। तुम एक काम करो, राहुल की दूसरी शादी करवा दो। अरे घर में सौतन आएगी तो महारानी खुद ब खुद घर से निकल जाएगी। बात तो सही है वैसे, पर एक शादीशुदा मर्द से कौन लड़की शादी करेगी? कोई और क्यों करेगी? अरे वो राहुल की बचपन की दोस्त है ना रूही, उससे बात करके देखो। मुझे लगता है वो राहुल को मन ही मन पसंद करती है। एक छोटी सी चिंगारी और फिर देखो कैसे आग लगती है उन दोनों के बीच में। ठीक है, मैं करती हूँ रूही से बात। इतना कहकर सभी लोग अब खाना खाते हैं। अगले दिन राहुल की माँ रूही के घर उससे मिलने और शादी की बात करने जाती है और रूही से मिलकर बात करती हुई कहती है, कैसी है रूही बेटा? अरे आंटी जी आप? मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ घर में सब कैसे हैं और आपकी तबीयत कैसी है? कुछ भी ठीक नहीं है बेटा घर में, अब तुमसे क्या छिपाना बेटा, तुम तो अपनी हो। जी आंटी जी आप सही कह रही हैं, पर क्या बात है मुझे बताओ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बताऊं बेटा, मेरी बहू ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। एक तो वो बांझ है, ऊपर से वो घर से भी नहीं निकलती है। कहती है इस घर पर मेरा हक है, तुम्हें निकलना है तो निकल जाओ, और तो और घर का कोई काम भी नहीं करती और मुझे ही सब करना पड़ता है। राहुल भी इसमें कुछ नहीं कर पाता है, अब हमें इस मुसीबत से तुम ही बचा सकती हो बेटा। पर वो कैसे आंटी जी? बेटा तू राहुल से शादी कर ले और हमें इस चुड़ैल से बचा ले, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। आखिर मैं जो चाहती थी वो हो ही गया। बुढ़िया ने पहले राहुल की शादी उस नेहा से करवा दी, जबकि उसे पता था कि मैं राहुल से प्यार करती हूँ। कोई बात नहीं, अब देखना कैसे मैं इन सब से एक एक करके बदला लेती हूँ, खासकर उस नेहा से। अब उसे पता चलेगा सौतन के नखरे क्या होते हैं। ठीक है आंटी जी, अगर आप इतना कह रही हैं तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर राहुल और नेहा शादी के लिए तैयार हैं? उनकी चिंता तो मुझ पर छोड़ दे। इतना कहकर सोमवती खुशी खुशी घर आती है और अब वो राहुल को शादी के लिए राजी करने की कोशिश करती है। राहुल बेटा मेरी बात सुन। हाँ बोलिए माँ, क्या बात है? आज तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी। देख माना मैंने तेरी शादी नेहा से करवाई थी, पर अब तक नेहा हमारे घर को एक वारिस नहीं दे पाई है और मुझे नहीं लगता कि उसे कभी बच्चा होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू रूही से शादी कर ले, और रूही भी शादी के लिए राजी है। ये आप क्या कह रही हो माँ, नेहा के होते हुए मैं उसकी सौतन लेके आ जाऊँ? नहीं ये मुझसे नहीं होगा। अच्छा तुझसे नहीं होगा? तू एक पराई लड़की के लिए अपनी माँ की बात काट रहा है? ठीक है फिर मुझसे भी जिंदा नहीं रहा जाएगा। तू और तेरी वो बांझ बीवी दोनों रहो, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो माँ? अपनी जान देने, और क्या करूँगी ऐसी जिंदगी का जिसमें मेरा कोई अपना ना हो,
राहुल के पिताजी, मैं आ रही हूँ आपके पास। ठीक है माँ, मैं तैयार हूँ दूसरी शादी करने के लिए। ये सब बातें नेहा सुन लेती है और तभी राहुल उसको समझाने के लिए आता है, पर नेहा खुशी खुशी कहती है, मैंने आपकी बातें सुन ली है, मैं आपके और माँ जी के फैसले से बहुत खुश हूँ। अगर माँ जी को मैं वारिस नहीं दे पा रही हूँ और मेरी बजाय कोई और वारिस देगी तो इससे अच्छी बात और क्या है। इतना कहकर नेहा वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद राहुल और रूही की शादी हो जाती है। शादी के बाद ही रूही के तेवर बदल जाते हैं और वो हर काम में नखरे दिखाने लगती है। रूही की घर में पहली रसोई होती है तो नेहा उसे बुलाने आती है और कहती है, रूही तुम अभी तक सो रही हो, चलो उठ जाओ, आज तुम्हारी पहली रसोई है। जब मैं आई थी इस घर में पहली बार तो मेरी भी हुई थी पहली रसोई की रस्म। अरे नेहा यार, मेरा मन नहीं कर रहा है खाना बनाने का यार, तुम ही बना दो ना। रूही ये मेरी नहीं तुम्हारी पहली रसोई है, समझी, तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। नेहा सच में बहुत थक गई हूँ यार, आज तुम कर दो, माँ जी को ना पता लगे, बस कल मैं खुद कर लूंगी। ओके ठीक है। नेहा समझ जाती है कि रूही बहाना कर रही है, फिर वो चुपचाप सारा खाना बना देती है। और जब सब खाने पर आते हैं तो नेहा की सास सोमवती खाना खाकर कहती है, वाह वाह वाह, क्या खाना बनाया है रूही तुमने, मजा ही आ गया। सच में पहली बार खाया है इतना अच्छा खाना, वरना भाई घिसा पिटा खाना मिलता था। अरे ऐसी बात नहीं है माँ जी, मैंने बड़े प्यार से खास आपके लिए बनाया है, आपको अच्छा लगा ये मेरे लिए गर्व की बात है। रूही की बातें सुन नेहा कुछ भी नहीं कहती। अगले दिन नेहा रूही से कहती है, सुनो रूही, आज ऊपर वाले रूम की सफाई करनी है और बहुत सारे कपड़े भी हैं धोने को, तो तुम सफाई कर लो और मैं कपड़े धो देती हूँ। अरे यार नेहा, तुम्हें पता है ना मेरी अभी अभी नई नई शादी हुई है और शादी के कामों में मैं बहुत थक गई थी और उसकी थकान अभी तक नहीं गई है, मुझसे नहीं होगी सफाई। तो चलो कपड़े तुम धो लो, मैं सफाई कर देती हूँ। ना जी ना, अगर कपड़े धोंगी तो मेरी कमर में लचक आ जाएगी और कमर टेढ़ी हो जाएगी, मुझसे नहीं होगा ये। हे भगवान, मेरी सौतन तो बड़ी बहानेबाज है, हर बात पर बहाना कर देती है। चलो कोई बात नहीं रूही, तुम आराम करो, मैं कर लूंगी। नेहा की बात सुनकर रूही वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। अब हर रोज रूही ऐसे ही बहाने मारकर काम से बच जाती और खुद आराम करती। एक दिन नेहा कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती है और घर में अब रूही और उसकी सास और राहुल रह गए थे। नेहा के जाने के बाद सोमवती रूही से कहती है, बेटा रूही जा, जाकर खाना बना ले, शाम हो चली है। वो माँ जी, आज मेरे हाथ में बहुत दर्द है, मुझसे नहीं बनाया जाएगा खाना। ठीक है मैं बना लेती हूँ, वैसे भी तेरी अभी नई नई शादी हुई है और इस कलमुही नेहा को भी अभी घर जाना था, बाद में नहीं जा सकती थी। एक बार फिर से रूही बहाना कर देती है और बच जाती है काम से। अगले दिन रूही की सास उसे फिर से कुछ काम बताती है और रूही फिर से बहाना मार देती है, जिसके बाद अब रोज सोमवती को ही घर का काम करना पड़ रहा था। अब सोमवती समझ गई थी कि नेहा इसलिए अपने मायके गई थी ताकि सोमवती को भी रूही की सच्चाई पता चल सके कि नेहा की सौतन के 100 बहाने हमेशा तैयार रहते हैं काम न करने के। यही सोच सोच कर सोमवती घर में पोछा लगा रही होती है और रूही आराम से सोफे पर बैठी टीवी देख रही होती है। तभी एकदम से नेहा घर वापस आ जाती है और अपनी सास को काम करते हुए देख कहती है, माँ जी आप ये सब क्यों कर रही हैं और रूही कहाँ है? क्या बताऊँ बहू, तेरी सौतन बड़ी तेज है, उसे जिस भी काम के लिए बोलो तो वो बहाना बना देती है और मैं उसे कुछ कह नहीं सकती क्योंकि गलती मेरी ही है, मैं ही उसे इस घर में लाई थी, मुझे माफ कर दे बहू। कोई बात नहीं माँ जी, मैं इसी घड़ी का इंतजार कर रही थी कि आप खुद अपनी आंखों से रूही की सच्चाई देखें। अब मैं चुप नहीं रहूंगी, उसे घर से निकाल कर रहूंगी। अब सब तुझ पर है बहू, जो करना है कर, बस इसे यहाँ से निकाल दे। तभी वहाँ पर रूही आती है और नेहा उससे सवाल करती है, रूही रूही तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ जी से काम करवाने की? तुम्हें इससे क्या, और वैसे भी तुम मेरी माँ नहीं हो समझी, मैं तुम्हारी सौतन हूँ, मेरा पूरा हक है इस घर पर और मेरी मर्जी मैं कुछ करूँ या ना करूँ। तुम्हें शायद याद ना हो पर ये शादी एक नकली शादी है, उस शादी में पंडित भी नकली था और मंत्र भी नकली थे क्योंकि हमें तुम्हारे इरादों पर पहले ही शक हो गया था
कि तुम हम सबसे बदला जरूर लोगी कि तुम्हारी शादी राहुल से क्यों नहीं हुई थी। तुमने कभी सोचा नहीं कि शादी के बाद से राहुल तुम्हारे पास क्यों नहीं आया, क्यों वो काम से बाहर चला गया। अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रही हो? कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ बिल्कुल है, शादी के वो झूठे पेपर जिन पर तुमने साइन किए थे। लो देख लो खुद। तुम सबने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मिल गया सबूत, अब खुद जाती हो यहाँ से या मैं पुलिस को बुलाऊं? कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। इतना कहकर रूही वहाँ से चली जाती है और उस दिन के बाद से फिर कभी नेहा की सास उसे ताने नहीं देती है और सभी खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।